मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खबर है दिल्ली के द्वारका से, जहां द्वारका स्थित नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन हुआ और कुछ स्टाफ की नियुक्ति भी हुई। इस दौरान मौजूद रहे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, कॉलेज के प्रोफेसर, वाइस चांसलर और क्षेत्रीय पार्षद रमेश मटियाला। वहीं देखिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने युवा वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। एजुकेशन के जरिए देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप राजनीति से, मैं बहुत बार स्कूलों में इस बात को बोलता हूँ, कॉलेज में बोलता हूँ कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, ब्यूरोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, वहां से देश को नहीं बदल सकते। देश को बदलना है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों से बदला जाएगा। सात आठ साल हो गए मुझे दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। एक बुनियादी समझ जो बनी है और जिस समझ पर हम काम कर रहे हैं कि अगर देश को नीचे से मजबूत करना है, अपने पैरों पर मजबूत करना है, तो स्कूल सिस्टम को बहुत शानदार बनाना पड़ेगा। और अगर देश को आसमान की ऊंचाइयों में उछालना है तो यूनिवर्सिटी सिस्टम को बहुत शानदार बनाना पड़ेगा। अभी सैनी साहब ने अपने वक्तव्य के अंत में दो ख्वाहिशें जाहिर की, पूरे शेर में नहीं दोहराऊंगा, कि आसमान की ऊंचाइयों में जाना है और दुनिया हमारे पैरों में झुकेगी। तो दुनिया जिन पैरों में झुकेगी उनको मजबूत होना पड़ेगा, दुनिया डंडे के दम पे पैरों में नहीं झुकती है, दुनिया काम के दम पे पैरों में झुकती है, दुनिया सोच समझ के दम पे पैरों में झुकती है, दुनिया आपकी नॉलेज के दम पे पैरों में झुकती है। और ये दुनिया को पैरों में झुकाने का काम हमारे स्कूल का, निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी में जो आएगा वो स्कूल से निकल के आएगा और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के हिस्से में सैनी साहब की इस ख्वाहिश में जो काम है, एनएसयूटी के हिस्से में जो काम है, आसमान की बुलंदियों को छूना, आसमान की बुलंदियों को स्कूल नहीं छुआ सकता, वो कॉलेज छुआता है। आप दुनिया के किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, वो ग्राउंड लेवल पे कितना मजबूत है वो उसके स्कूलों से तय हो रहा है, वो आसमान में कहां खड़ा है, फलक पे कहां खड़ा है, वो उसकी यूनिवर्सिटी से तय हुआ है। देश के भविष्य कहे जाने वाले इन युवाओं की कड़ी मेहनत देश को मजबूत करती है। देखिए जब कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर आशा रानी ने मीडिया वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। आज हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है उस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका इनॉग्रेशन था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मींस हमारे मशीन्स, पीसीज, और वो अपग्रेडेड वर्जन्स होंगे, हमारे हायर एंड सॉफ्टवेयर्स होंगे जिस पे हमारे स्टूडेंट्स काम करेंगे। जनरली जो भी हम पीसी पे काम करते हैं उसको करने के लिए, रन करने के लिए हमें हाई मेमोरी और हाई जीपीयू रिक्वायरमेंट्स होते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी, डीप डेटा पे काम करना है तो हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो वो सब हमारा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिए गए हैं और उसका आज इनॉग्रेशन था। और इसके लिए हम जो भी कंपनी से हमने इंस्टॉल करवाया है वो हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ डिफरेंट स्टेजेस में। एक आध स्टेज कवर हो चुका है, जैसे आपका फैकल्टी का ट्रेनिंग हो चुका है और स्टूडेंट्स और TRFs, रिसर्च स्कॉलर्स, उन सब का ट्रेनिंग अभी होना है। इसके अलावा अभी हमारे न्यू फैकल्टी मेंबर्स, नियर अबाउट 56 फैकल्टी मेंबर्स और 90 स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, LDC, UDC, हेड क्लर्क, ये अपॉइंट हुए हैं, रिक्रूट हुए हैं। इनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम हम लोग करते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, पहले से बताएंगे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, आपका काम क्या है, आपको क्या काम करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स जो हमें इस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है उन सब का। कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी CM आए थे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक बात कही युवाओं के लिए कि यहाँ से युवा जाते हैं दूसरे कंट्री में और कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है जी, तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जिनको यहाँ से वो कोर्स करके जाते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी बिल्ड करनी चाहिए ताकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े। हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, वो कंपनीज खोल भी रहे हैं, हमारे
अभी जो पास्ड आउट काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ कंपनीज खोली हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत लाइमलाइट में चीज़ें नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ MBA IEV प्रोग्राम है, जो मैं उस एरिया में नहीं हूँ, बट स्टिल वो जो चीज़ें हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करा के छोटी छोटी कंपनीज खोलते हैं बच्चे हमारे, बट नॉट टू दैट लेवल, सो वी आर इन द प्रोग्रेस एंड विल डू दैट। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे जो कहीं ना कहीं पास आउट हो के उनका फोकस रहता है कि हमें इतनी पैकेज पे काम करना चाहिए और वो पैकेज देती है फॉरेन कंट्री के, तो कहीं ना कहीं वो अपने इंडिया के लिए पढ़ाई तो यहाँ से होती है स्टडी, बट इंडिया की इकोनॉमी के लिए नहीं सोच पाते। हाँ, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, उस टाइप का फोकस है, बट देर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में रह के कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से देखा है, 20 साल हो गए हमें यहाँ देखते हुए, तो देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम कुछ नया करें और वो नया करते भी हैं, एंड वी आर इन द प्रोग्रेस। सिसोदिया जी ने एक बात और कही कि जो है यूनिवर्सिटी में और स्कूल में सोच बदलने वाली बात कही, प्रोफेसर्स को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, कैसे देखते हैं? जी, हमारे जो करिकुलम है उसमें हमने कुछ एक चीज़ें ऐड करी हैं जिससे हम मॉरल वैल्यूज़ और हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सब पे हमने करिकुलम बनाए हैं, वो पढ़ाते हैं हम क्लास में, और वो हमारा वो भी प्रोग्रेस। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।